नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य अर्जुन सिंह एक बार फिर सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं काफी समय से अपने क्लिनिक पर बिजी था और इसीलिए मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, और अब मैं फ्री हूँ इसलिए अब डेली नए नए नुस्खों के वीडियोस अपलोड होंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अब आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से भाई हमारे आजकल नामर्दी की समस्या से जूझ रहे हैं। जिनकी सेक्स की इच्छा नहीं होती, कभी इच्छा होती भी है तो फिर लिंग में भरपूर तनाव नहीं आता है, और कभी तनाव भी ठीक से आता है तो वीर्य समय से पहले ही बाहर निकल जाता है। ऐसे ही भाइयों के लिए दोस्तों आज मैं आपको शिंगड़ा भस्म बनाने का ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो आज तक आपने यूट्यूब पर या कहीं भी नहीं देखा होगा। दोस्तों, सिंगरप शुद्ध करने का तरीका और भस्म बनाने का तरीका बहुत से वैद्य यूट्यूब और गूगल पर भी अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनमें से 80% तरीके बिल्कुल गलत होते हैं। उनका जो दोस्तों सिंगरप को शुद्ध करने का तरीका होता है और बाद में आग देकर भस्म बनाने का तरीका होता है, इसी प्रक्रिया में उनके सिंगरप का जो पारा होता है या तो वो जल जाता है या फिर वो उड़ जाता है, और उसके बाद दोस्तों वो शिंगरा भस्म किसी भी काम की नहीं बचती। और दोस्तों, जो तरीका ये आज मैं आपको बता रहा हूं, आप बनाएं या अपने पास के किसी भी वैद्य हकीम से बनवा लें और फिर देखिए, इसकी पहली खुराक से ही आप रिजल्ट खुद देख लेना। ये देखिएगा दोस्तों, ये सबसे आला दर्जे का शिंगरफ है, शिंगरफ रूमी। आप इसकी चमक देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ 3 से 4 तरह का शिंगरफ मिलता है, उसमें ये जो शिंगरफ रूमी है ये सबसे उच्च कोटि का शिंगरफ है। शिंगरफ दोस्तों पारा गंधक और मैनसिल का मिश्रण होता है। बाकी इस शिंगरफ से जो अलग शिंगरफ होते हैं उनमें मैनसिल और गंधक की मात्रा ज्यादा होती है, पारे की कम होती है, लेकिन ये जो शिंगरफ आप देख रहे हैं रूमी, ये असली शिंगरफ है, इसमें पारे की मात्रा ज्यादा से ज्यादा होती है। इसीलिए इससे जो भस्म तैयार की हो जाती है वो बहुत ही उच्च कोटि की भस्म होती है। अब दोस्तों, आपने 10 ग्राम शिंगरफ ले लेनी है अच्छी क्वालिटी की, जैसी आप ये देख रहे हैं। इस शिंगरफ को दोस्तों आपने एक सूती कपड़े की पोटली बनाकर उसका दोला यंत्र करना है। दोला यंत्र के लिए दोस्तों आपने आधा किलो नींबू का रस लेना है और उसमें 1 लीटर पानी मिला लेना है। उसमें आपको इसे लटका देना है 3 घंटे के लिए। जो भी वैद्य हकीम भाई हैं मेरे, वो जानते होंगे दोला यंत्र किस तरह किया जाता है। नींबू के रस और नल के पानी में, ताजे पानी में इसका दोला यंत्र करना है 3 घंटे के लिए। उसके बाद दोस्तों आपने इस शिंगरफ को निकालकर नींबू के रस में लगभग आधा से 1 घंटा खरल करना है, और उसके बाद इस शिंगरफ की आपने एक टिकिया बना लेनी है, गोल टिकिया। टिकिया दोस्तों आपको सिक्के के जैसी गोल नहीं बनानी है, गोल गोली जिस तरह कांच की गोली होती है जिससे बच्चे खेलते हैं, उसी तरह की गोल टिकिया बनानी है इसकी। अब दोस्तों, जब आपकी ये गोल टिकिया सूख जाए तब आपने एक धतूरा लेना है, बड़े से बड़े साइज का। अब दोस्तों आपने ताजे धतूरे के बीच में से टुकड़े कर देने हैं, 2 टुकड़े, मतलब उसे बिल्कुल बीच से 2 टुकड़ों में काट देना है। अब काटने के बाद दोस्तों उसके बीच के बीज वगैरह आपने बिल्कुल निकाल लेने हैं दोनों साइड के, और वो जो खोखली जगह बचती है उसमें आपने अपने शिंगरफ की गोल टिकिया रख देनी है और वापस से अपने धतूरे को जोड़ देना है। अब दोस्तों आपने थोड़ा चिकनी मिट्टी का घोल बना लेना है, लूदा बना लेना है। अब आपने एक कॉटन के कपड़े की पट्टी ले लेनी है, लगभग 2 से 2.5 फीट की। उस पट्टी को आपने उस गीली मिट्टी के पानी में भिगो देना है, मतलब थोड़ी थोड़ी मिट्टी उस पट्टी पर चढ़ा देनी है, और उस पट्टी को आपने धतूरे पर अच्छी तरह चारों तरफ लपेट देना है। लपेटने के बाद दोस्तों आपने उस पट्टी पर लगभग आधा इंच मोटा मिट्टी का लेप चढ़ा देना है और उसे एक बॉल की तरह, गोल गेंद की तरह बना लेना है। अब इस गेंद को दोस्तों आपने सुखा लेना है अच्छी तरह, और दोस्तों जैसे ही आपकी ये बॉल अच्छी तरह सूख जाए अब आपने लगभग 2.5 से 3 किलो रेत लेनी है, रेत अच्छी हो, गीली ना हो। अब आपने उस रेत को एक कढ़ाई में डालकर अपने गैस चूल्हे पर रख देना है,
दोस्तों लकड़ी या उपलो की आग या भट्टी की आग इसे नहीं देना है, आपने गैस चूल्हा ही इस्तेमाल करना है और लगभग मीडियम से भी थोड़ा कम आंच पर उसे रख देना है उस रेत को। अब दोस्तों आपने इस रेत में अपनी वो धतूरे वाली बॉल जो आपने बनाई है उसे रख देना है बिल्कुल बीच में। याद रहे इसकी ये जो तली होती है कढ़ाई की उसमें भी वो टच ना हो और वो ऊपर भी ना रहे, बिल्कुल बीच में आपने उस बॉल को रख देना है। अब दोस्तों आपने आग जला देनी है मीडियम से थोड़ी कम और लगभग 2 घंटे तक आपने यही आग रखनी है। 2 घंटे के बाद आपने दोस्तों गैस को मीडियम साइज से थोड़ा और बढ़ा देना है। शुरू के 2 घंटे लगभग हल्की आग देनी है और बाकी 1.5 घंटे आपको और आग देनी है, वो थोड़ी तेज देनी है। और लगभग दोस्तों 3.5 घंटे बाद आपको अपने गैस चूल्हे को बंद कर देना है। अब जब दोस्तों आपकी रेत अच्छी तरह से ठंडी हो जाए उसके बाद अपने धतूरे को आपने बाहर निकाल लेना है और जब वो ठंडा हो जाए उसे सावधानी पूर्वक आपने उसकी मिट्टी कपड़ा वगैरह सब उतार कर सावधानी पूर्वक अपनी टिकिया को बाहर निकाल लेना है। और फिर दोस्तों उस टिकिया को आपने खरल में डालकर रगड़ना है और तब तक उसकी रगड़ाई करनी है जब तक उसकी चमक बिल्कुल खत्म ना हो जाए, और उसके बाद दोस्तों आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये वो तरीका है, इससे बनाई गई भस्म का पारा कहीं भी नहीं उड़ता और बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये देखिए दोस्तों ये कुछ ही दिन मैंने पहले तैयार की है और ये आप देख सकते हैं, ये भस्म मैंने धतूरे में ही तैयार की है। ये देखिए दोस्तों आप दोस्तों इसे कितना भी मसल लें कितना भी छुटा लें बिना पानी से साफ किए आप इसे अपने हाथ से साफ भी नहीं कर सकते। इसे चाहे जितना रगड़ लीजिए ये छूट नहीं सकती आपके हाथ से जब तक आप इसे अच्छी तरह से साफ नहीं करेंगे। ये वो भस्म दोस्तों तैयार होती है जो पहली खुराक से ही अपना रिजल्ट दिखाती है। पहली खुराक से ही सेक्स की इच्छा भी बढ़ती है, लिंग में तनाव भरपूर आता है और टाइमिंग भी इससे बहुत ही अच्छी हो जाती है। ये देखिए दोस्तों चाहे इसे कितना भी छुटा लो ये बिना धोए साफ नहीं होगी और आप देख सकते हैं मेरे हाथ पर बिल्कुल भी चमक नहीं है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नुस्खे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।